लड़कियां हमारी सब आदिवासी आदिवासी के परंपरा में चौरी बनाएंगे, चौरी बनाने के बाद उसकी पूजा पाठ करेंगे। ये हमारे महाराज जी ये जल ये मट्टी जल लेके आए, जैसे उसको गिली करेंगे, गिली करने के बाद चार व्यक्ति बिठाएंगे, चार व्यक्ति उसको बनाएंगे, बनाने के बाद फिर उसकी पूजा होगी, पूजा करने के बाद यहाँ दुल्हन बिठाएंगे। ये लड़की सती ले तू जल ने मट्टी ने चलो चलो परंपरा ऐसी चलना चाहिए हमेशा, बाप दादा की जो चलते आ रही है उसको बाप दादा की परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे। आने वाली पीढ़ी कहीं और नहीं जाए, ये अपनी जो पुरानी रीति रिवाज है उसी पे निर्भर रहे और जो अपना कल्चर चल रहा है वही चलने दे। बस यही कहना चाहता हूँ मैं। Thank you.